उत्तर प्रदेश में इस समय लोकसभा उपचुनाव का जोर है। विधानसभा चुनाव 2022 के बाद से प्रदेश की राजनीति को दो ध्रुवीय साबित करने की कोशिश उपचुनाव में भी होती दिख रही है। हालांकि आजमगढ़ का मामला अलग है, यहां मुकाबला त्रिकोणीय होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव अपने चचेरे भाई और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की छोड़ी सांसदी पर अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में अखिलेश से हारने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर भाजपा का कमल थामे मैदान में है। वहीं अब के हाथी पर सवार होकर आए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने चुनाव को रोचक बना दिया है। इस चुनावी तपिश में सपा को एक तगड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान ने सपा छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कल्पनाथ पासवान ने लंबे समय तक भाजपा के जरिए अपनी राजनीति की, लेकिन वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। सपा ने उन्हें मेहनगर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। चुनावी मैदान में तब उतरे कल्पनाथ ने जीत दर्ज कर विधानसभा तक का सफर तय किया, लेकिन 2022 में उन्हें टिकट नहीं मिला। अब की बार उन्होंने ऐन चुनाव से पहले सपा को झटका दे दिया है और बीजेपी में घर वापसी कर ली है। भाजपा के साथ लंबी पारी खेलने वाले कल्पनाथ एक बार फिर पाले में आए हैं तो भाजपा का भी कॉन्फिडेंस हाई है। कल्पनाथ के जनाधार को देखते हुए आजमगढ़ में भाजपा अपनी जीत के दावे करने लगी है। वहीं एक सीनियर नेता ने ऐन चुनावी मौके पर पार्टी छोड़ने से अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ गई है। कल्पनाथ पासवान की क्षेत्र में ईमानदार नेता की छवि है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान आजमगढ़ के एक होटल से उनके 10 लाख रुपए चोरी हो गए थे। विधानसभा में इसकी चर्चा करते हुए वे रो दिए थे। उन्होंने इस रकम को अपने लिए बहुत बड़ा बताया था, कहा था कि इससे वो छत डलवाने वाले थे। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने गठबंधन के तहत महीनगर विधानसभा सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दे दी थी। इसके बाद से कल्पनाथ पासवान सपा से किनारे होने लगे थे और अब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। बता दें कि ये लोकसभा उपचुनाव को लेकर तीनों ही पार्टी के उम्मीदवार जोरदार प्रचार अभियान चला रहे हैं। सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी उम्मीदवार निरहुआ के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चलाया। शाहगढ़ में आयोजित रैली में पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान ने डिप्टी सीएम की उपस्थिति में भाजपा में वापसी भी की। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने कहा कि पासवान के आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और लोकसभा उपचुनाव में जीत के प्रति उन्होंने आश्वासन दिखाया। NVT ऑनलाइन की रिपोर्ट।